देख रहे हो गाइस कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा पता क्या होता है ना, आप प्लीज ब्लू डार्क ब्लू वाला हमारा प्यारा सा बेबी, इसका नाम क्या है भाई? शीरो। इसका नाम रखा है शीरो। अरे वाह, शिनचैन शिनचैन। अगर आपने कार्टून देखा है तो उसका डॉग था व्हाइट कलर का शीरो। हम स्टार्ट करते हैं सबसे आप कह सकते हो साइज वाइज बड़े बच्चे से, बड़ा भाई कह सकते हो इनका आप, जियान टाइप ही लगता है पर इसका नाम जियान नहीं रख रहे। What's up everybody, क्या हाल चाल। सो आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है। लास्ट व्लॉग में मैंने बता दिया था आज के व्लॉग के बारे में, तो आज का व्लॉग बेसिकली कंटिन्यूटी है लास्ट व्लॉग की। और सभी बच्चे मेरे ओरियो शिनचैन मीमी और साथ ही साथ हमारे वो छः प्यारे प्यारे पपीज भी हमारे साथ हैं और फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ पे हैं। तो आज हमारा प्लान है इन बच्चों का नामकरण करने का। सारे पिछली कितने सारी वीडियोस में आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया ये नाम रखो, ये नाम रखो, ये नाम रखो, तो हमने सब जगह से एक एक नाम थोड़ा थोड़ा चुन लिया है। तो आज फाइनलाइज मैं इनके नाम बताऊंगा, इनको थोड़ा सा एक रिबन भी बनाएंगे ताकि इनके कलर्स का भी हमें आइडिया रहे, ठीक है। और 5 male है 1 female है, तो अभी इन सबसे मिलवाता हूँ, इनको रिबन बनाता हूँ। और मेरे से ज़्यादा तो जो है कमेंट पड़े हैं मानित ने, मम्मा ने, सभी ने मेरे से ज़्यादा कमेंट पढ़े हैं और सभी ने एक एक नाम सोचा है और आज वो नाम देंगे और आई होप आप सभी को वो नाम अच्छे लगे। सो भाई क्या नाम सोचे हैं भाई? अभी बताने नहीं है, बाद में बताएंगे, ठीक है। पर याद है साकित ने सबके नाम सोच रखे हैं, एक नाम अनन्या ने भी सोचा है और एक फीमेल का, इसमें जो फीमेल का नाम है वो तो बड़ा प्यारा नाम रखा है और उसके पीछे एक रीज़न भी है कि इन सबके ना नाम रखने के पीछे हमने कुछ कुछ रीजन्स रखे हैं। और मैं बस यही चाहूँगा कि आगे जिस भी घर में ये बच्चे जाएँ वो नाम कंटिन्यू रहे ताकि एक स्टोरी हम यू नो इनकी लाइफ की हम आप सभी को दिखाते रहे, ठीक है। ये देखो सारे के सारे इधर आराम से पीछे सो रहे हैं। इनमें जो है तीन जो है ब्लैक कलर में है और तीन ही है जो है वो वाइट कलर में है, तो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं और बहुत ज़्यादा शरारती हैं। बिकॉज देखो मदर साइड में शिनचैन ओरियो ऐसा ऐसा ब्लड लाइन है, मैगी है, तो शरारती होना बनता है इनका। फादर साइड भी अभी इनको फादर से मिलाऊंगा, बट अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़े और बड़े हो जाए, थोड़ा सा इनका इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए, इनको वैक्सीन लग जाए, उसके बाद मैं फादर से मिलवाने की सोच रहा था। बाकी लेट्स सी, डॉक्टर साहब हमारे को जैसे कहेंगे हम वैसे कर लेंगे। अभी चलिए गाइस, बारी है इनको रिबन बनाने की और इनका एक एक करके नाम रखने की। ओके गाइस, हमारे साथ मीमी भी है आज नामकरण पे और शिनचैन वहाँ बैठा है और ओरियो, इसको ओरियो को हमने बांधा है। प्लीज़ आप ये मत बोलिएगा ओरियो को क्यों बांधा, बिकॉज मीमी और ओरियो बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं और इसकी वजह से मैं नहीं चाहता कि आपस में नुकसान पहुँचा ले एक दूसरे को। अभी बिल्कुल नए नए मिले हैं ना ये। ओके तो गाइस हमारा एक फैसला है कि हम शायद इनमें से एक बच्चे को अपने पास रखें एंड आई होप आपको उस बच्चे के बारे में शायद पता हो। देखो वो लड़ पड़े, देखो बांधे में लाए भी लड़ पड़े। मिमी को पंगे लेने के बहुत शौक है। ओए ओए, देखो पापा भी आगे पीछे, पापा को भी दिखाओ गाइस। हेलो पापा। पापा देखते हैं रोज कुछ ना कुछ, यहाँ डॉग्स आए रहते हैं, घर में कुछ ना कुछ बनता रहता है। तो अभी हम एक एक करके जो है सबको रिबन बना रहे हैं और उसके बाद मैं एक एक करके आप सभी के सामने उनका नाम डिस्क्लोज करूंगा और नाम के पीछे भी एक एक मोटिव है जो वो भी बताऊंगा। देखो भाई रिबन बनाने की प्रक्रिया यहाँ शुरू कर दी गई है। बहुत हल्के हल्के रिबन बना रहा हूँ, ये रिबन उतार दिए जाएंगे बाद में और जब भी जिस भी बच्चे का जब भी हमारे घर से अलविदा होगा तो ये रिबन पहना के ही मैं कुछ करूँगा, उसको भेजूँ। देख रहे हो गाइस कितने प्यारे लग रहे हैं ये। अच्छा पता क्या होता है ना, आप जब भी घर में छोटे बेबीज होते हैं या ह्यूमन बेबीज भी होते हैं तब बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है गाइस। इस एक्सपीरियंस को मैं कम शेयर कर पाऊँगा, मेरे भैया भाभी ज़्यादा शेयर कर पाएंगे। एक ज़रूर जाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, उनको लेकर आऊँ, उनसे बात करूँ कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन बच्चों को पालने में। बिकॉज दो बच्चे ह्यूमन हैं और आगे 6 बच्चे हो गए यू नो डॉग्स, तो टोटली 8 बच्चे जो है संभाल रहे थे वो दो जाने मिलके, तो बहुत ज़्यादा एक हिम्मत की बात है। वो देखो लड़ पड़े भाई साहब, देख रहे हो कितना टफ टास्क है यहाँ पे ब्लॉग करना। ओके गाइस, तो आप ये देख रहे हो इन सभी को जो है हमने अलग अलग रिबन यहाँ पर पहना दिए हैं। हाँ जी हाँ जी, तो यहाँ पर स्टार्टिंग ब्लू रिबन, रेड रिबन, येल्लो रिबन, ग्रीन रिबन, फिर लाइट ब्लू, स्काई ब्लू आप कह सकते हैं, स्काई ब्लू रिबन एंड देन ऑरेंज रिबन।
तो ये हमने आइडेंटिटी इनकी अभी बना दी है विदाउट नेम, और अभी बारी है इनका एक एक करके नाम रखने की। बारी है अभी नाम रखने की, और हमारा नामकरण हो रहा है मंजी के ऊपर। एक छोटा सा बेड रखे, बड़े सिंपल से हम करते हैं भाई, हमारे को बैलून्स वैलून्स की कोई जरूरत नहीं, करेंगे आराम से करेंगे। ओके तो गाइज अभी बारी है, हम स्टार्ट करते हैं सबसे आप कह सकते हो साइज वाइज बड़े बच्चे से, बड़ा भाई कह सकते हो इनका आप, जियान टाइप भी लगता है, पर इसका नाम जियान नहीं रख रहे, इसका नाम क्या रख रहे हैं हमारे तम? पंपकिन। पंपकिन, ओके। तो पंपकिन का बेसिकली रीज़न ये कि है, एक तो ये थोड़ा सा इसके साइज़ के हिसाब से हम थोड़ा सा कर रहे हैं, इसको पंपकिन जैसा दिखता है, क्यूट है पंपकिन जैसा। और यार आपने देखा होगा कि मेरे डॉग्स का नाम सारा ना खाने पीने पर हम रख देते हैं, जैसे मैगी, ओरियो, उसके बाद कैडबरी, ठीक है। अब ये है हमारा पंपकिन, तो मैं चाहूंगा एक बार पंपकिन को आप प्यास से देख लो। हाय पंपकिन, येलो रिबन है पंपकिन का। एंड हाँ जी, अभी बारी है पंपकिन के बाद सेकंड, जो कि है फीमेल, ठीक है। तो ये है रेड रिबन फीमेल, एंड इसका नाम क्या रखा है हमने अनन्या? फ्रूटी। फ्रूटी, अच्छा। अब इसका फ्रूटी का, हाँ जी, मैगी भी होगी खाने के लिए, चॉकलेट कैडबरी भी हो गया, हाँ। पीने के लिए फ्रूटी भी हो गया। अब पीने के लिए फ्रूटी भी हो गई, तो ये पर्पस था इसका नाम फ्रूटी रखने का, कि इसका इसका नाम इसको पास से देखो एक बार ना। अब बिस्किट ओरियो हो गया, खाने के लिए मैगी हो गई, साथ में कैडबरी ब्रांड का और भी चीजें आ जाएंगी, चॉकलेट वॉकलेट है ना कैडबरी की, बट हमारे पास फ्रूटी नहीं थी पीने के लिए, तो हमने फ्रूटी रख ली। अल्कोहल बच्चे नहीं पीते, इस करके इन्होंने फ्रूटी रख ली, नहीं तो इसका नाम विस्की भी रख सकते थे। ओके गाइस, तो ये देख रहे हो, ये ऐसे ही मेरे हाथ पे सो गया है, मेरी उंगली की सपोर्ट लेके सो गया ये। हाँ हाँ, इसका नाम क्या रखे मम्मा? क्या रखोगे, बच्चों को जो पसंद है। हाँ बताओ फिर भी है। रोमियो। रोमियो, तो इसका नाम है जी रोमियो, इधर आ जाओ पास में। तो इसका नाम है ग्रीन रिबन वाले का रोमियो, क्या बात है। तो अब बारी है नेक्स्ट वन की, तो नेक्स्ट वन है आर ब्लू रिबन, लाइट ब्लू है ना, स्काई ब्लू आप इसको कह सकते हो, ये इसका नाम क्या रखना है भाई? ओके गाइस, सो लाइट ब्लू रिबन वाले का नाम हमने जो फाइनल किया है वो है कोको। तो इसका नाम है जी कोको, मीट कोको। ब्लू है कोको। ओके अभी कोको के बाद बारी है ऑरेंज रिबन वाले की, तो इसका नाम हमने सोचा है, इसका नाम मैं ही रख देता हूँ, इसका नाम रखा है हमने एप्पल। एप्पल, इसका नाम हमने रखा है एप्पल। हाय एप्पल, आप सभी एप्पल से मिले, एप्पल अ डे कीप अ डॉक्टर अवे, ठीक है। तो ये इसके इसको मोटो को आगे ले जाते हमने इसका नाम रख दिया एप्पल। हाँ जी एप्पल, हाँ जी एप्पल, हाँ। ओके तो अब रह गया है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्लू, डार्क ब्लू वाला हमारा प्यारा सा बेबी, इसका नाम क्या है भाई? शीरो। इसका नाम रखा है शीरो, अरे वाह, शिनचैन। शिनचैन, अगर आपने कार्टून देखा है तो उसका डॉग था व्हाइट कलर का, शीरो। शिनचैन का शीरो। शिनचैन, ये आपका शीरो है? शिनचैन मीन शीरो, तेरा शीरो। शिनचैन शीरो, शिनचैन शीरो। ओरियो वाली जो थी वो थी ना, अगर इसको पहना रखी होती तो फिर लगता ज्यादा। अच्छा, व्हाइट शीरो, इसके ऊपर वो रेड कलर। वाह, तो ये है जी शीरो। तो ऐसे ही हमने 6 बच्चों का नाम रख दिया, अब आपको सभी का एक एक करके नाम पता है, और सभी बहुत ज़्यादा मतलब प्यारे हैं, देख रहे हो एक तो कैसे बैठे हैं ये सभी के सभी, ऐसे नींद ले रहे हैं धूप में ना। तो बाकी गाइज, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, आप मुझे मिमी को और बहुत सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पुलकित मैम मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, एज वेल एज यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, पुलकित मैम मेरा फेसबुक पेज है, वहाँ पर मैं बहुत सारे फूड से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ और बहुत अलग वीडियोज़ बनाता हूँ जो फेसबुक पे यूट्यूब पे होती है, उससे कुछ अलग कंटेंट मैं फेसबुक पे डालता हूँ, तो मेक श्योर आप वहाँ पे भी उसको चेक करें। और ओके गाइस, सो पापा भी खाना खा रहे हैं, और ये देखो मिमी महाराज सारे घर का मुआयना ले रही है। हाँ मिमी, मिमी खाना खाने आ रही है। हाँ मिमी को खाना चाहिए, मिमी किचन में है, और देखो शिनचैन भी आ गया मिमी का नाम सुन के, ओरियो चारा आना चाहता है बट ओरियो को हमने बांध रखा है। सो गाइस, अभी फिलहाल बच्चे बहुत छोटे हैं, और अभी बारी है उनको थोड़ा थोड़ा सा बाहर का फूड देने की, कुछ और मदर फीड से अलावा, और बाकी वो भी आगे वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम उनको क्या दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं, साथ साथ जो है
मैगी की डाइट थोड़ी सी हमने इंक्रीज की है बिकॉज अब थोड़ा सा टाइम आ गया है कि उसको भी उसकी हेल्थ मेंटेन करने की बहुत हमारे को ध्यान की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमने उसकी डाइट भी मेंटेन ज़्यादा बढ़ा दी है। उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो मेक श्योर आप हमारी वीडियोस देखते रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरी एक छोटी सी फैमिली, अगर आप चैनल पहली बार देख ले, मैं दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ, मेरी छोटी सी फैमिली जिसके पास हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे तो ये देखो, ये मिमी को पापा खाना खिला रहे हैं। मिमी इधर आओ, देखो भाई चाची यहाँ पर खाना बना रहे हैं। चाची क्या बनाया आज? आज मटर पनीर बनाया और आलू मेथी बनाई है। क्या बात है गाइस, इधर आओ, ये देखो इधर आओ, तुम्हारे मुंह में पानी लेके आता हूँ सभी के। ये देखो गाइस मटर पनीर, और ये मटर पनीर देख के यार मुझे वो थ्री इडियट्स वाला सीन याद आ जाता है, उसके बाद फिर खाना खाने का कभी कभार मन भी नहीं करता। अगर आपको सीन पता है तो मेक श्योर कमेंट में बताए कौन सा सीन है। ये देखो मिमी पापा के पास बैठ गया है, पापा को कह रही है कि एक मुझे भी एक बाइट दो। ये देखो पापा ने इसको बाइट दी। हाँ जी मैंने ले मिमी, नहीं नहीं चाची, मिमी ने भी बहुत सारा खाना खाया गाइस, और स्टिल बस वो है ना कि एक डॉग होता है। देखो हमें पता होना चाहिए कि हमारे डॉग को कितना हमने लिमिटेड फूड देना है, क्योंकि डॉग को नहीं पता होता वो कितना भी खाता रहेगा, उसके बाद फिर उसको वॉमिट वॉमिट की दिक्कत होगी, तो वो चीज़ भी सही नहीं होती डॉग के लिए। देख पापा के मुंह में चढ़ी, पागल मुझे भी पिटवाएगी ये मुझे भी पिटवाएगी। हाँ जी क्या चल रहा है? तो गाइस विद दैट करते हैं हम आज के ब्लॉग का एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। 2021 बहुत रफ एंड टफ भी रहा, बहुत लोग साथ जुड़े, बहुत लोगों की लाइफ से जाना भी हुआ एंड बट चैनल की ग्रोथ में भी बहुत फ़र्क आया गाइस, ठीक है। ये चीज़ मुझे बात करनी थी कि चैनल की ग्रोथ में बहुत फ़र्क आया, बट 2021 मेरे लिए एक यादगार साल रहा है एंड आई होप 2022 और अच्छा जाए, बाकी भगवान जाने या जो भी फ्यूचर होने वाला है वो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बट हाँ ठीक है, चैनल ने भी बहुत ग्रोथ की, लाइफ ने बहुत आगे बढ़े और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी लाइफ निकली एंड आई होप आप सभी के दिन भी अच्छे गए हों। कुछ लोग आपके साथ भी नहीं रहे आज के टाइम में एंड बस मैं उनके लिए दुआ करूँगा कि वो जहाँ भी हो वो खुश रहे, और बस यही बोलना था आपसे। बहुत थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ बात करते करते, क्योंकि साल एंड हो रहा है और मेरे साथ हर साल यही होता है, तो बस मैं नहीं चाहता मेरी उम्र बढ़े, बट क्या कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं गाइस, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, शबा केयर।